नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एनवायरनमेंट का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा केवल एक वीडियो में, और इसके सारे प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे। ये आपके प्रश्न कहाँ से लिया गया है, तो जो एटेरिया का एक बुक आया था जिसमें 5000 प्रश्न था, उसमें आपके जो स्मरणीय तथ्य दिया गया है एनवायरनमेंट का, तो उन सभी जो पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट को केवल एक वीडियो में डिस्कस किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया, अर्नेस्ट हेकल ने किया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ENG टांसले ने किया। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने किया और तंत्र शब्द का प्रयोग टांसले ने किया है। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो नॉर्मन मेयर ने किया, नॉर्मन मेयर ने किया। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वाल्टर जी रोजेन ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? तो जोसेफ फोरियर ने। पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने की? तो चार्ल्स एल्टन ने। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्र को माना जाता है। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सलीम अली को जाना जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो कैलाश सांखला को जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो विष्णु लांबा को जाना जाता है। प्रणब मुखर्जी द्वारा बोला गया है कि ट्री मैन ऑफ इंडिया विष्णु लांबा को, ठीक है? तो ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं कौन? विष्णु लांबा, प्रणब मुखर्जी द्वारा संबोधित, ठीक है? ये जो सारे पॉइंट था कि इसे नोट कीजिएगा, बार बार एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर रामदेव मिश्र को। बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सलीम अली। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से कैलाश सांखला। बटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से विष्णु लांबा को जाना जाता है, ठीक है? उसके बाद है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया, तो कब पारित किया गया? 1972 में। ध्यान रखिएगा, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को जो है 1972 में पारित किया गया। पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 को भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। तो 1980 में पारित किया गया, 1980 में पारित किया गया भारतीय वन संरक्षण अधिनियम को। अब भारतीय वन्यजीव संरक्षण को 1972 में पारित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1986 में पारित किया गया है। नई वन नीति को लागू किया गया 1988 में, नई वन नीति को लागू किया गया है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया? 2002 में पारित किया गया है। नेक्स्ट है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब की गई? 2010 में किया गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब किया गया? 2010 में किया गया है। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया, तो कब किया गया? 1987 में किया गया, 1987 में किया गया। ओजोन संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन कब किया गया? तो 1987 में किया गया। पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया रियो में, तो कब किया गया? 1992 में किया गया। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में कब हुआ? तो 1992 में हुआ। वैश्विक पर्यावरण संरक्षण हेतु क्वेटो प्रोटोकॉल आयोजित की गई, तो कब की गई? 1997 में किया गया। कब किया गया? 1997 में किया गया। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है कब आता है? 1987 में आता है, जबकि जो क्वेटो प्रोटोकॉल है ये आपके 10 साल बाद आता है, 1997 को आता है। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया गया, तो कब लागू किया गया? 1973 में। कब लागू किया गया? 1973 में। भारत में
हाथियों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट एलिफेंट लागू किया गया 1992 में, जबकि बाघों के संरक्षण के लिए जो प्रोजेक्ट टाइगर कब आता है तो 1973 में आता है, जबकि हाथियों के लिए जो हाथी हैं उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आता है तो 1992 में लागू किया जाता है, 1992 में लागू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस के बारे में देखिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत के कितने लोकेशन वर्तमान में जो है रामसर साइट में शामिल है, आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना है तो कौन बना है, सिक्किम बना है। कब बना है, 2016 में बना है। यूपीएससी इसे जो है 2018 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। भारत का पहला राज्य जो पूर्ण रूप से जैविक बना तो सिक्किम बना है। भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई तो 1985 में किया गया। भारत में जो है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया, 1985 में किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है तो कहाँ पर स्थित है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है टाइलर पुरस्कार का संबंध है तो पर्यावरण सुरक्षा से। टाइलर पुरस्कार का संबंध है किससे, पर्यावरण सुरक्षा से है। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है, सुंदरबन में। भारत में सर्वाधिक मात्रा में मैग्रोव वनस्पति पाई जाती है सुंदरबन में। ग्रीन हाउस गैस एवं इसका उपयोग के बारे में समझिए। ग्रीन हाउस गैस और योगदान, ग्रीन हाउस गैस और योगदान के बारे में देखिए। जो आपके जलवाष्प है इसका कितना योगदान है ग्रीन हाउस गैस में तो 60% है। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है तो 26% है। मीथेन का कितना है तो 4 से 9% है। ओजोन का 3 से 7% है। नाइट्रस ऑक्साइड का कितना है तो 1.5% है। उसके बाद है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका कितना है तो 0.1 से 0.4%, ठीक है। दुनिया का पहला कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है तो किसे जाना जाता है, भूटान को जाना जाता है। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया तो कब लागू किया गया, 1974 में। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम को लागू किया गया कब लागू किया गया, 1974 में लागू किया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है तो भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत कब होता है तो 1974 में इसकी शुरुआत होता है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है तो यश राधा कृष्णन है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है तो इंदिरा गांधी है। मतलब प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया है तो यश राधा कृष्णन को, और प्रथम भारत रत्न महिला में किसे दिया गया है तो इंदिरा गांधी को दिया गया है। इस सम्मान से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। मरणोपरांत इस सम्मान से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन है तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत की गई तो 1958 में किया गया। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन है तो विनोबा भावे हैं, जिन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था पहली बार भारत के व्यक्ति के रूप में। इस पुरस्कार का प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है तो किरण बेदी हैं। जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है तो किरण बेदी हैं। इस पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण को 1965 में सम्मानित किया गया। जयप्रकाश नारायण को भी जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, कब दिया गया है, 1965 में दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई तो कब किया गया,
1965 में किया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत। इस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो शंकर कुरूप हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? 1965 में। और प्रथम बार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो शंकर कुरूप को दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी हैं। हिंदी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में किसे दिया गया? तो सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया है। उर्दू भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1969 में किसे दिया गया? तो फिराक गोरखपुरी को दिया गया है। संस्कृत भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2006 में किसे दिया गया है? तो सत्यव्रत शास्त्री को दिया गया है। अंग्रेजी भाषा हेतु पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया है? तो अमिताभ घोष को दिया गया है। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ तो कब प्रारंभ हुआ? 1927 में। भारत में पहली बार रेडियो का प्रसारण प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1927 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई तो 1936 में। भारत में मनी ऑर्डर सेवा प्रारंभ हुआ तो 1880 में। भारत में जो है मनी ऑर्डर सेवा कब प्रारंभ होता है? 1880 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत कब होती है? तो 1960 में। भारत में पिन कोड सेवा की शुरुआत कब होती है? 1972 में। भारत में जो है स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब होता है? तो 1986 में होता है। भारत में टेलीविजन सेवा की शुरुआत कब की गई? तो 1959 में किया गया है। भारत में डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत कब की गई? 2004 में। इसके बाद टीवी की दुनिया में क्रांति आ गया। भारत में जो है डायरेक्ट टू होम सेवा की शुरुआत कब की गई? 2004 में। उसके बाद है मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सेवा की शुरुआत कब होती है? 2011 में। कब होती है? 2011 में।